साथ में रोना भी पड़ेगा, अच्छी अच्छी रोटी के साथ में। देखो राम राम जी, आप सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी मस्त है, बस नहा धो के रेडी हो गए। तो अभी हम कहाँ चलते हैं आपको दिखाते हैं। ठंडी के मौसम में मेरे घर पे एक बार भी गाजर का हलवा नहीं बना, तो आज बनेगा। उससे पहले होगा काम का, मतलब काम होगा, फिर काम उधर से करके फिर निकल जाएंगे मार्केट, मस्त वहाँ से सामान लेके आएंगे, फिर बनाएंगे। तो चलते हैं। हाँ ये तो चले चलते फटाफट देख के आते हैं। जहाँ पे हम जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत बड़ा एक डॉगी है, इतना ब्लैक, इतना बड़ा सा चेहरा है ना, अगर एक बार आपको देख लेगा ना तो वैसे ही डर जाओगे। उनके घर पे वो है, उनके घर में जाने से पहले किसी भैया को बुलाएंगे, उनके घर में काम करते, फिर वो आएंगे, उनके साथ जाते हैं घर में अंदर। इतना तेज भोगेगा ना कि आप भाग जाओगे। अगर मौका मिलेगा ना तो आप सबको थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे डॉगी का, सिर्फ डॉगी का। चलते हैं फिर। ये चप्पल जब आया था तो छोटा था, अब देखिए इतना बड़ा हो गया, सीधे दो अंगुल बड़ा। लगता है कि अपन दीदी के पहने हैं मांग के। चल 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 अरे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि गेट के बाहर ही जस्ट वो बैठा है। हम वेट कर रहे हैं कोई भैया दिखे और उनको बुलाए, फिर अंदर जाए। और कोई दिख ही नहीं रहा है, क्या अभी बहुत दूर है, जैसे बोल रहे आगे गेट का लगवा सुनी, थोड़ा सा आगे चलो। हम भगवान जीवन कर बहुत तेज भोकला। हाँ कुत्ते कोई आवाज सुनेगा तो आ जाएगा। नहीं नहीं हम जीवो ना करो, सब अभी अंदर ही हैं ना, भर थोड़ी ना हुई हैं, कोई दिखे तब ना। उनका कुत्ता बहुत खतरनाक खतरनाक है ना, क्यों लोग भाभी फोन उठा ही नहीं रही हैं। सुनिए आगे बढ़ा, आगे हिम्मत है ही नहीं, झोला ले लिया, नोचे में टाइम ना लगी। सुनिए भागी घर में आ गए, घर में आते ही डॉगी मिल गया, इसलिए आगे उनके किचन में छुप गए हैं ताकि बचे रहे हम, हालत खराब है मेरा। ये देखो डॉगी वहाँ पे सोया हुआ है मस्त। फाइनली एक घंटे बाद बाहर निकले हैं सनी, क्या रिएक्शन था? फिर उसके यार डर नहीं लग रहा था उनको, फर्स्ट टाइम जब गए थे ना, आ गया पास में, हम भाभी को पकड़ के चफान के, भाभी बोले छोड़ दो गिर जाएंगे, मुझे छोड़ दो। हमारे पास में आया, पूरा चाट लिया पैंट, एकदम दिमाग खराब हो गया, हवा टाइट हो गया, चाट लिया एकदम दबा के, बहुत मोटा सा था एकदम गोल मलोल, पर हमारा जीव धक 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 कर रहा था एकदम। भाभी बोले इतना मत डरा, नहीं हम गिर जाओ, हम बोले नहीं बोले भगावा तुम। फाइनली चलते अब दुकान पे, बोले दोबारा आप चलते हैं गाजर लेके ना सुनी, मस्त दुकान, अब लेते यहाँ से गाजर। जाकेट में पीछे दे, फाइनली गाजर लेके आ गए, अब ऊपर मस्त बनाएंगे मनोलो का नाम का बर्फी, बर्फी में मस्त आग जलाएंगे, उसी में बनाएंगे गाजर का हलवा, ठीक। क्योंकि अभी ना धूप निकला है तो अभी बना लेते हैं बर्फी लेके। हाँ लेके फटाफट सामान जुटाना पड़ेगा। सब तो ठीक है, रिफाइनरी नहीं है घर में हमारे, अभी जस्ट देखा डब्बा खाली। कितनी मिली? 50 ग्राम कितनी मिली? शायद 20 रुपए शायद। चल क्या फट 20 रुपए देती हूँ। रिफाइनरी खत्म हो गया, सुनिए आ गए दुकान से। मिला कितने का मिला? 30 का मिला। सुनिए बोली 20-30। भाई साहब कहो वहाँ पर पानी मेरा जुठाड़ दिया है, पीला पीला हम जाते दूरी है, कहो पानी जुठाड़ दिलास हुआ जा जा दूसर लेके आवा, हाँ जा पूरा डाल दो। 30 का रिफाइन है, ये घड़ा का पानी निकाल, दूसरे का पानी डालेंगे, पूरा पानी जितना सब फूल में डालेंगे, बाकी फिर से पानी लेके आएंगे। मस्त गाजर धुला गया, और उधर मम्मी रहती है आराम से बैठ के, पानी फेंक देना जी, मस्त लगा रही है मट्टी, कहे कि नहीं लगाएंगे तो रगड़ते रगड़ते संझा हो जाएगा, इसीलिए लग मालूम नहीं लगा जी, से कुपरी नहीं टूट रहा है। ठंडी है, चोट लग गई, चूर करना है इसको अच्छे से, मेरा गला नहीं टूटा था। ढूंढा
पट्टिया ये देखिए मस्त चल गया आग। हवा इतना तगड़ा है कि पूछिए। चूल्हा बुलाते बुलाते हालत खराब हो गया, इसलिए मम्मी ने दिमाग लगाया कि ईटे का चूल्हा बनेगा और ईटा ढूंढ के लाए इतना छत पर से, शायद इतने हो जाए। ये बर ही नहीं रहा, अब भले बर रहा फटाफट फटाफट। अच्छा भाई साहब, ये तो अपना सेकने में लगी है, हलवा जाए तेल लेने। इतनी लगातार लगी है इतने में, ऐसे मत रहता चिप्स थोड़ी ना। नहीं 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 ऐसा ना, ऐसा ना, चिप्स थोड़ी ना। आगे इसमें से इसमें ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए गाजर मस्त रहता गया और आगे भी अच्छे से मस्त गरी एंड बादाम। आधा तेल मैंने डाल दिया क्योंकि एक किलो आया है। अच्छे से बनाएंगे आज, पहली बार बन रहा है लेकिन अच्छे से बनेगा। चीनी डाल के बनाएंगे आज। नहीं गुड़ डाल के बनता है, हम चीनी डाला पहली बार। हाँ अब इसे भूनने में टाइम लगेगा कम से कम 20 मिनट। मम्मी मस्त आँच लगा रही है गाजर के हलवे में। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भून गया है, थोड़ा सा बाकी डाल देंगे सारा मसाला इसमें। मसाले में कमी नहीं होना चाहिए ना सने। ये जरा चीनी, आधा किलो दीदी चीनी डाल दी, आधा किलो ना। ये गया मिल्क, ये तो धोखे पी गया। हाँ मलाई लग रहा, मलाई पकड़ा पकड़ा पकड़ा। कलर कितना प्यारा हो गया इसका ना, जैसे लग रहा है केसर डाला। पहली 15 मिनट के बाद कुछ हाल चाल मेरे हलवा का, अभी 5 मिनट और पकाना। नमक वाला हलवा, चीनी वाला हलवा। सभी खा लो, मुँह खोल लो फटाफट। सुनी मुँह खोल रही है। हाँ। डाल दी। हाँ। फिर कहा हुई हाल, मुँह जर के दम कोयला हो जाएगी। फिर कोई टेस्ट होना मिली, चाहे वो अमृत रहा चाहे वो हलवा रहा, नमक रहा जाए चीनी रहा जाए मिर्चा रहा, कुछ ना पता चले, खुल ना पता चले। प्यारा प्यारा सा लिट्टी बना रहा है, वो भी आगे में सेक के, इतना मोटा मोटा लग रहेगा एक भट्टी का। नहीं एक तवा पे दो रोटी बन जाएगा, होगा ना करी पूछा कैसे कैसे, क्योंकि बीचों बीच आँच लगता है और वो होगा तो साइड साइड में होगा तो अच्छे से पकेगा नहीं, समझ लू। एकदम पाव रोटी की तरह पकड़ लेना मटका लग रही है। ये देखिए हल्का हल्का फूल है अभी, देखिए कितना मस्त फूल रहा है। लेट, 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 लेट। ये देखिए कितना मस्त फूला है, देखिए परोठे की तरह। लेकिन आज देखिए अब इसका मजा भी है, मतलब ये थोड़ी ना कि आपको सिंपल सिंपल रोटी मिलेगी, साथ में ना साथ में रोना भी पड़ेगा अच्छी अच्छी रोटी के साथ में। देखो मस्त बन रहा है ना आगे, अब मस्त रोटी बन गया इतना सारा। और रोटी बनाते ये देखिए आगे खत्म, मतलब इतनी तगड़ी यहाँ पर ठंडा लग रहा है ना कि अब चलते हैं घर नीचे, कहे कि बहुत तेज गलन हो रहा है यहाँ पे नसनी। एकदम तेज और कोहरा भी पड़ेगा ना, मस्त मस्त वाला। आज धूप हुआ है इसलिए बोरिया पहले उठा, बोरिया या सिंगल हटाई उठा, ऐसे उड़ेगा नहीं, चले लेके नीचे ठीक। अब चलते हैं मस्त नीचे। मम्मी अब ये खा रही है भाई साहब, जी करेंगे हैं। कैसन बना ला, धो के पी रही मम्मी, कैसन बना, कैसन बना ला सनी, मस्त बना। देखो कैसे उठा उठा खा रही है जीभ से।
तने तने मिलेगा क्योंकि आप थोड़ा सा खा चुके, बस हम खाएंगे भाई पापा मम्मी, थोड़ा थोड़ा मिली बात खत्म। नानी दो बार भी कंट्रोल लियो, हम भी जा रहे खाना खाने, भाई का वेट नहीं करेंगे, पापा का भी वेट, पापा पापा भाई भाई साथ में खाना खाएंगे, तो हम जा रहे खाना खाने मस्त मस्त। आप सब भी खाना खा लो, आज का खाना बहुत अच्छा है, सनी भी निकाल के आ गई अपना, ये देखिए कितनी मस्त रोटी है, एकदम हल्की रोटी बिल्कुल पाव की तरह है, सॉफ्ट एकदम, ये एकदम पाव की तरह रोटी है, एकदम पाव। हाँ जी आकरो, हाँ जी, आप सबसे कुछ कह रही थी। ये इतना अच्छा खाना है ना, अगर आप एक बार खाओगे ना तो आप सीधे खाना पर फोकस करोगे, ना कि अगल बगल, ये फटाफट खत्म होगा, आपको ध्यान नहीं जाएगा, नहीं खाना ही रहेगा, इतना अच्छा खाना ये आप एक बार आप सब जरूर ट्राई करना। मस्त ये वाली चटनी और रोटी, मस्त खाना वाना खा के सो गए, और इनका आज बहुत लेट हो गया खाना खाने में, भाई साहब खाना खा लेगा, फिर खा रहे हैं कैसे मना ला, बढ़िया जी, सही सी बता, सही बढ़िया, सच्ची सच्ची में 10 रुपया निकाला, फिर मेरा ही पूछा मुझे कहाँ थमा रहे हो, अच्छा अच्छा ले ला मेरी तरफ से, तुम खाना बहुत अच्छा था, फिर से खाने का मन हो रहा लेकिन चटनी खत्म हुई। अगर आप सबको ना ऐसा रोटी बनाना हो ना तो आप एक बातों का ध्यान रखिएगा, मोटी रोटी तो ठीक है लेकिन साथ में मतलब ज़्यादा आटा होगा तो 3-4 चम्मच सरसों का तेल और 1/2 चम्मच के लगभग नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के मस्त सान के असादने के बाद 1/2 घंटा तक उसे रख देना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए, फिर रोटी बनेगा, फिर वो पाव फील कर देगी, इतना अच्छा रोटी बनता है। सुनिए बताया खाए वाला सोडा, नहीं नहीं वो वाला सोडा नहीं, खाए वाला सोडा डाल के पानी पीले, मम्मी बोली धीरे धीरे बताओ, अरे मम्मा वीडियो लंबा बोला, बता दो 1 किलो ऑर्डर रहेगा तो, हाँ मैं क्या बता, फिलहाल आज का वीडियो करते खत्म, वीडियो अच्छा लगा वीडियो की वीडियो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ढेर सारा कर दीजिएगा, और आप सभी से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे साथ चलते रहिए जी, राम राम, बस ऐसे सो के काम करते हैं हम।